मेरा नाम है नितिन शर्मा और मैं कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर में एज अ हिंदी टीचर एंड जीएस टीचर आपके पढ़ाता हूँ। हम डिस्कस कर रहे थे सीटेट के बारे में। तो सीटेट के बारे में हमने पिछले दिन पढ़ा था कि सीटेट में पैटर्न क्या है, उसमें आपको 30 नंबर की आती है साइकोलॉजी यानी कि सीडीपी, 60 नंबर की आती है आपको एसएसटी, 30 नंबर का आता है आपको लैंग्वेज वन और 30 नंबर की आती है लैंग्वेज टू। लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू जो वो आपको अलग अलग चूज करनी पड़ती है, या तो आप हिंदी चूज कर सकते हो या तो इंग्लिश या अनदर लैंग्वेज या इन दोनों में से कोई भी। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि जो स्टेट के लोग हैं स्टेट वाइज एक रीजनल लैंग्वेज जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है वो लैंग्वेज वन चूज कर सकते हैं और लैंग्वेज टू जिसमें आपकी पकड़ थोड़ी ढीली है। तो हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा आपकी लैंग्वेज वन भी हो सकती है, लैंग्वेज टू भी हो सकती है। अब लैंग्वेज वन का फायदा क्या है कि अगर आपकी पकड़ लैंग्वेज वन में अच्छी है तो आप आसानी से 30 में से 28-29 मार्क्स ले सकते हो कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, और लैंग्वेज टू में भी आप इतने मार्क्स ले सकते हो। तो आपका जो वर्डन है सीडीपी और एसएसटी का वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जब हम बात कर रहे थे पैटर्न दोनों में सेम है, 10 नंबर का कल ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 10 नंबर की आपको वहां पे प्रोज एंड पोइट्री आएगी, मतलब कि गद्यांश और पद्यांश। एक गद्यांश दिया होगा जहां से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनको अपने छंट करके उसका उत्तर देना है। 5 नंबर के आपको पद्यांश दिए होंगे यानी कि एक कविता जो आपके 6-8 बुक्स में से होंगे। पर मैंने कल ये भी बोला था कि वहां पे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो आप ये वाला पोर्शन छोड़ देते हो व्याकरण का। आपको ज्यादा फोकस करना है ये व्याकरण पे और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पे, वो वाला आप कर ही लोगे, आपकी इतनी मेंटेलिटी पावर है। 10 नंबर के फिर आपको आता है टीचिंग ऑफ हिंदी में से कि टीचिंग ऑफ हिंदी आपने कैसे करनी है। पठन कौशल आ गया, पाठन कौशल आ गया, अनुवाद कौशल आ गया, सस्वर वाचन आ गया, कविता पाठन आ गया, पाठ योजना कैसे बनानी है, माइक्रो लेसन कैसे बनाना है, मैक्रो लेसन कैसे बनाना है, हिंदी का आप पाठ कैसे तैयार करते हो। तो वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, एक टीचर को कैसा होना चाहिए, हिंदी के टीचर को कैसा होना चाहिए, उसकी हिंदी भाषा पे कितनी पकड़ होनी चाहिए, कैसी पकड़ होनी चाहिए, ये सब जो है हम जो वो टीचिंग एप्टीट्यूड में। और 5 नंबर का आता है आपको मेंटल एबिलिटी यानी कि आपकी मानसिक अभियोगिता। अगर आपकी क्लास में बच्चा शोर कर रहा है, बच्चा गृह कार्य करके नहीं आया है, आप व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो, बच्चा उसको देख के भी गलत लिख रहा है, वो आपको कैसे उसका निदान करोगे, मतलब रेमेडियल टीचिंग। उसमें ये पूछा जाता है कि आप अपने मानसिकता कितनी है एज अ टीचर के आप काबिल हो, वो पूछा जाता है। हमने हिंदी के बारे में कल जो वो डिस्कस करना स्टार्ट किया था व्याकरण, तो हिंदी में कल मैंने बताया था कि भाषा के 5 रूप होते हैं और इसी 5 रूपों में से आपकी सारी हिंदी जो वो कवर हो जाती है। और ये 10 नंबर आपको फ्री के नंबर है जो सिर्फ आप ओनली और ओनली 3 या 4 दिनों में अपनी व्याकरण जो वो ठीक कर सकते हैं और पूरे पूरे मार्क्स ले आ सकते हैं इन्हीं 5 टॉपिक्स में से जो वो आपको सारे क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 कल जो हमने डिस्कस किया था वो था ध्वनि। अब ध्वनि में क्या था कि ध्वनि एक ऐसा रूप है भाषा का जिसमें आप बोलते तो हो, अपने विचार प्रकट तो करते हो, पर उसको जो है आप एक रूप नहीं दे सकते, एक आकार नहीं दे सकते, वो आपकी ध्वनि है। जैसे कि आप ओए ऐसे कभी करते हैं ना, ओए। अब ये ओए ये मना करने के लिए आपने यूज किए शब्द, पर इस शब्द का कोई ये आकार नहीं है। अब अगर आप आकार देते हो तो वो आपका वर्ण और स्वरों में चला जाता है। तो वो ध्वनियां जिनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो आता है आपका ध्वनि में। उसके बाद आता है आपका वर्ण, जो कल हमने डिस्कस किया था कि वर्ण के 2 रूप हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर के जो वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्रुत, और व्यंजन भी आपके मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन, संयुक्त स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और नंबर 3 आपके अंतस्थ वर्ण। बाकी आपके संयुक्त आते हैं, आगत आते हैं, देश से जाते हैं, विदेश से जाते हैं, द्वितव आते हैं, उत्क्षिप्त आते हैं, ये सब। उसके बाद हमने करा था उन व्यंजनों का स्वर और व्यंजनों का एक साथ वर्गीकरण यानी कि प्राणत्व के आधार पे और घोषत्व के आधार पे। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द, क्योंकि यहाँ से भी आपको बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं कि ये शब्द क्या होता है, किस तरह का है। आपको
क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले आप ये टॉपिक समझ लो, उसके बाद जो वो आप क्वेश्चन के बारे में समझना। अब देखो शब्द जो है वो शब्द होता क्या है, कल जब मैंने एक आपको डेफिनेशन बताई थी कि वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है, जो स्वर और व्यंजन कल हमने डिस्कस किए थे उनका एक समूह, वो दो वर्णों का भी हो सकता है, वो चार वर्णों का भी हो सकता है, वो छह वर्णों का भी हो सकता है, वो सात वर्णों का भी हो सकता है, तो वो वर्णों का एक समूह जो है आपका शब्द कहलाता है। अब उन वर्णों को आपने कैसे आगे उनके प्रकार और उनको संजो के रखना है वो देखिए। सबसे पहले बात आती है कि शब्दों के भेद, यानी कि शब्दों का वर्गीकरण आपने कैसे करा, किस आधार पे करा, कैसे कैसे आपने सारे शब्द जो है वो एक साथ एकत्र किए। तो सबसे पहले आया आपका उत्पत्ति स्त्रोत इतिहास के आधार पर, आपके उत्पत्ति का मतलब होता है कि ये जो शब्द है कैसे जन्मा, आपने कैसे इकट्ठा किया। स्त्रोत मतलब कि जो पुराने पुराने स्त्रोत थे आपके, जैसे कि आपकी पांडुलिपियां हो गए, वेद हो गए, पुराण हो गए, उसके आधार पे आपने जो है वो शब्द इकट्ठे किए कि किस वस्तु को कौन सा शब्द जो है एक विशेष तौर पे रखा गया है। और इतिहास के आधार, इतिहास आपके वेद और पुराण ही आ गए, और स्त्रोत जो थे जैसे आपकी पांडुलिपियां हो गई, आपके मनुस्मृति हो गई, आपके पत्थरों पर लिखी हुई यानी कि पाषाण लिपियां हो गई, आपके सांची स्तूप हो गया, उनके ऊपर जो शब्द लिखे थे वो सब इनके ऊपर जो शब्द प्रयोग करके इकट्ठा करके जो लेकर के आए उनको इसने उत्पत्ति स्त्रोत इतिहास के आधार पे रख दिया। दूसरा था आपका व्युत्पत्ति बनावट या रचना के आधार पे, यानी कि वक्त के साथ व्याकरण का प्रयोग करके थोड़ा सा जो आपका बदला, वो किस आधार पे आपके शब्द जो थे आपने अपनी बनावट के साथ उनको चेंज कर दिया, उनको परिवर्तन कर दिया, वो आपके व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पे आ गए। फिर आया आपके व्याकरण के रूप या प्रयोग के आधार पर। अब व्याकरण क्या है कि आपने जब शब्द तो अलग अलग आ गए, अलग अलग भाषाओं के आ गए, पर उनको आपने कुछ क्लासिफाइड थोड़ा सा व्याकरण प्रयोग में लेकर के आए और उनको एक प्रयोग करने लायक बना दिया, या आप अपने को ले लो या किसी और को ले लो या हमारे भाषाविदों को ले लो। उसके बाद आया अर्थ के आधार पे कि अर्थ को आपने कैसे समझा, तो वो आ गया आपका अर्थ के आधार पे। अब नंबर वन देखो हम डिस्कस करते हैं उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति मतलब जहां से वो शब्द जो है वो जन्मे, उत्पत्ति का मतलब ये ही होता है। तो कैसे जन्मे, नंबर वन जो था इसी के अंदर है तत्सम। तत्सम वो शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि भाषा के वो शब्द जो आज भी संस्कृत के साथ मिलते जुलते हैं और आज भी आपके प्रयोग में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो जिनके आज हम 90s के सभी, आई थिंक सभी 90s के स्टूडेंट है, तो सबको पता होगा कि 90s के स्टूडेंट के सामने ही उनके घर बने हैं। हम में से कोई एक ऐसा हो सकता है या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके जो वो मदर फादर्स ने या ग्रैंड फादर ने पहले बना के रखे हैं घर, तो उनको पता नहीं होगा, या फिर ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी बनाने हैं, पर मोस्टली हम में से जो हमारे पेरेंट्स ने पक्के घर जो है वो हमारे सामने ही बनाए। तो पक्का घर बनाने के बाद हम एक शब्द यूज करते थे, गृह प्रतिष्ठा। अब गृह प्रतिष्ठा क्या होती है, एक संस्कृत का शब्द है कि एक हम फंक्शन करते हैं जिसमें अपने सगे संबंधियों को और अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं और एक घर में जो वो शुभ कार्य हो और हमारा घर हमारे लिए शुभ रहे, यहाँ रहना सहना अच्छा हो, तो उसको हमने फंक्शन को, उस ओकेजन को नाम दिया गृह प्रतिष्ठा। तो हमने ये तो नहीं बोला घर प्रतिष्ठा या हाउस प्रतिष्ठा या कुछ और, तो हमने ये जो शब्द है गृह प्रतिष्ठा, ये गृह और ये प्रतिष्ठा, ये दोनों शब्द आपके संस्कृत से आज भी यूज किए जाते हैं, आज भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जो शब्द आपके संस्कृत से हिंदी भाषा में आज भी प्रयोग लाए जा रहे हैं वो शब्द हैं आपके तत्सम शब्द। इसके कुछ उदाहरण है अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, और आप अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हो हवन हो गया, पाठ हो गया, सामग्री हो गई, हस्त हो गया, फिर आपकी लेखनी हो गई,
फिर आपका बात अनुकूल हो गया, अनुकूल समय हो गया, समय सदुपयोग हो गया, तो ये सब राजा हो गया, मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये सब जो शब्द है आपके संस्कृत के हैं। हाँ, एक और शब्द प्रतिज्ञा, जो आपके मंत्री या फिर हम स्कूल में लिए करते थे, वो शब्द भी आपका संस्कृत का है। तो ये वो शब्द जो आपके संस्कृत के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। भाषा बेशक आप लोग हिंदी प्रयोग करो, उर्दू प्रयोग करो, पर आप संस्कृत के जो शब्द एज इट इज, जैसे वो थे, उन्हीं को उठा करके अपनी भाषा में जब प्रयोग में लाते हो तो उन्हें आप तत्सम शब्द कहते हो। और आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है, एक कि पहचानिए इन में से तत्सम शब्द कौन सा है। नीचे आपको चार ऑप्शन दिए होंगे और पांचवा ऑप्शन होगा इनमें से कोई भी नहीं। पर अगर आपकी भाषा पे पकड़ अच्छी नहीं हुई तो आपको जो भी इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर आपको चार ऑप्शन आते हैं सीधे तौर पे, तो आप समझ सकते हैं कि इसके चार ऑप्शन में से कोई ना कोई एक होगा। पर अगर जब पांचवा ऑप्शन ये दिए जाता है कि इनमें से कोई भी नहीं, तब आप कंफ्यूज में फंस जाते हो कि ये गलत होगा या ठीक होगा या कौन सा होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि लिखते टाइम या टिक लगाते टाइम आपको बड़ा सोच समझ के अपनी जो हिंदी भाषा के शब्द हैं और संस्कृत भाषा के शब्द हैं उनको सोच समझ के टिक करना है। अब आपको कुछ उदाहरण दे दिए, अग्नि, वायु, आकाश, माता, पिता, रोशनी, धरती, धरा, भू, पृथ्वी, ये सब जो है आपके संस्कृत के शब्द हैं। इनमें से कुछ और भी हैं। कोशिश करना जितनी ज्यादा आप अपने अंदर परफेक्टनेस ला सको उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर टू पे आ गया आपका तद्भव। अब ये तद्भव कौन से होते हैं कि ये संस्कृत में एक शब्द अलग था पर संस्कृत के बाद इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ, थोड़ा सा, और उनके शब्दों को आपने ग्रहण कर लिया। जैसे कि आपका संस्कृत का शब्द था हस्त और आज क्या बन गया ये हाथ, मतलब थोड़ा सा बदला, हस्त से हाथ, स गायब करा, तो को बदला और उसका थ बना दिया। अब ये गृह था, गृह का बन गया आपका घर, तो थोड़ा सा जिसमें परिवर्तन हुआ और आपने उसको प्रयोग में लाने लग पड़े तो वो आपका हो गया तद्भव। इसमें भी आपको क्वेश्चन आएगा कि तद्भव रूप, यानी या फिर इसमें क्वेश्चन दो टाइप का आता है कि पहचानिए इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, और एक क्वेश्चन आता है कि ये शब्द है जैसे कि हस्त दे दिया, इसका तद्भव रूप क्या होगा। तो ये आपको सोच समझ के वहां पे उत्तर देना है। जितनी हिंदी भाषा की आप लोग प्रयोग में लाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसके देखो कुछ उदाहरण, जैसे कि अग्नि बदल गई आग में, वायु बदल गई हवा में, मातृ शब्द था आपका तत्सम का, यहाँ पे माता भी यूज किया है, मातृ के बाद माता, और आज के दौर में हम क्या यूज करते हैं, माँ। तो माँ शब्द जो था हम संस्कृत में प्रयोग नहीं करते थे, वहां हम माता और मातृ शब्द ही यूज करते थे। माता हम जब डायरेक्ट बात करते थे तब बोलते थे, पर जब माता के द्वारा कोई काम किया जा चुका होता था, जब हम उसके बारे में बात करते थे संस्कृत भाषा में, तो मातृ शब्द प्रयोग में लाते थे। पर आज हम बोलते हैं माँ, पर आज हम माँ भी नहीं बोलते, आज हम बोलते हैं मम्मी। अब इसके बारे में भी मैं आगे बताता हूँ कि मम्मी कौन सी श्रेणी में आता है। ये आ गया आपके तद्भव, जो आपके संस्कृत से बदल करके आज हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, वो आपके तद्भव। संध्या थी, आज बन गई सांझ। और एक और शब्द जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरत आपको पढ़ने की है, दुग्ध, और आज ये बन चुका है दूध, और दधी जो आज बन चुका है दही। तो ध्यान में रखिएगा ये दो जो शब्द हैं ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, अब आगे की बात करते हैं हम, देशज। अब ये देशज शब्द, अब देशज शब्द के कुछ देसी सी फीलिंग आ रही होगी ना कि देशज मतलब अपना देश, तो देशज शब्द में है देशज, जो लगा है मतलब देश में जन्मा हुआ, यानी कि कुछ शब्द वो वाले शब्द जो आपके देश के किसी भूभाग में, किसी स्थान में, जैसे कि आप देखते हो कि हमारे हर राज्य की अलग भाषा तो है पर राज्य के अंदर भी
अलग अलग भाषाएं हैं। उदाहरण के तौर पर मैं हिमाचल प्रदेश से हूं, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में हर 12-13 किलोमीटर के बाद एक भाषा बदल जाती है। तो जो उनके शब्द हैं, जो एक अपने देश में एक स्थानीय भूभाग क्षेत्र में जन्मे हैं, उनको आप देश से शब्द बोलते हो। जैसे कि ऐसे आपका हो गया थैला, ये शब्द थैला ये ना हिंदी का है ना संस्कृत का है ना आपके अंग्रेजी का ना पुर्तगाली कहीं का नहीं, पर ये आपके थैला शब्द है उत्तर प्रदेश का, जहां से ये पैदा हुआ है। और जैसे ये पैदा हुआ शब्द हमने इसको एज्यूम कर लिया, अपने ग्रहण कर लिया और अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग में ले आए, पर ये है किसी एक जगह का। अब थैला है, जो हिमाचल प्रदेश के छात्र होंगे उनको पता होगा कि थैले को अपने हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, पंजाब के लोगों को पता होगा पंजाब में क्या कहा जाता है, और यूपी वालों को और हरियाणा वालों को पता होगा वहां पे क्या बोला जाता है। अगर आप साउथ इंडिया से हो तो वहां तो अलग भाषा है, वहां तो बिल्कुल ही बदल जा चुका है। पर अब मैं हिमाचल प्रदेश से हूं तो मैं बता देता हूं कि थैले शब्द को बोला जाता है हमारे वहां झोला, ठीक है। तो ये आपका देश से शब्द है। उसके बाद आ गई आपकी गड़बड़। गड़बड़ जो है वो आपका पहले से स्पेसिफाइड किसी भाषा के व्याकरण में नहीं है, साहित्य के अंतर्गत, पर आज प्रयोग में लाया जा रहा है। उसके बाद है पेट। अब ये पेट है, आपने एक शब्द होना होगा उधर, ये उधर जो है आपकी शुद्ध हिंदी का भाषा है, भाषा का शब्द है, पर आज की डेट में हम कहां क्या कोई उधर आपने सुनता सुनो कोई नहीं, कोई उधर शब्द को प्रयोग में नहीं लाता, आज की डेट में हम प्रयोग में लाते हैं पेट। उसके बाद है आपका छोरा, पगड़ी, छोरा, वैसे हम बोलते हैं लड़का, तो बस लड़का नहीं बोलते, पंजाब में बोलते हैं मुंडा, हमारे वहां हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं मुंडू, छोरा बोलते हैं आपके हरियाणा में, तो कहीं कहीं जो है वो ये छोरा कौन है भाई। अगर आप साउथ इंडिया में जाके बोलते हो तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये शब्द जो है वो कहीं हरियाणा से आया है, पर है हिंदी भाषा का। पगड़ी जो आपके सिर पे बांधी जाती है, तो जो शब्द आपके किसी स्थानीय भाषा में किसी विशेष जगह से निकलते हैं उनको आप देश से शब्द बोल देते हो। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है आपका विदेश से शब्द। अब विदेश से शब्दों में तो मैं जो नहीं लगता कि किसी समझाने की कोई जरूरत है। आज की जो जनरेशन है, हम तो 90s के हैं, तो हम तो मॉडर्न में भी आते हैं, थोड़े से ओल्ड में भी आते हैं। हमने वो वक्त भी देखे हुए जब फोन नहीं होता था, और हमने वो वक्त भी देखा जब फोन और टेक्नोलॉजी अपने चरम पे पहुंच चुकी है, तो हम तो इक्वल है। तो विदेश शब्द अंग्रेजी भाषा, जब हम छोटे छोटे थे तब नए नए ट्रेंड आया था ये अंग्रेजी स्कूल्स का। तो आज क्या ट्रेंड आ चुका है कि आप बोलते तो हिंदी हो, पर आपको जो है इंग्लिश के 10-12 शब्द जो है आपके बीच में हर एक सेंटेंस में होते हैं। आप मुझे देख लो, जब से मैं लेक्चर दे रहा हूँ मेरे मुंह से बोल तो मैं हिंदी रहा हूँ, पर अंग्रेजी के कितने ज्यादा शब्द निकल गए। तो वहां पे आता है आपका विदेशी शब्द। जैसे कि अब विदेशी में भी आपकी कम से कम 5 कैटेगरियां हैं, कम से कम, पर यहाँ से ज्यादा हो चुकी हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो दिल्ली के जो स्कूल्स है वहां पे जर्मनी पढ़ाई जा रही है, वहां पे फ्रेंच भी पढ़ाई जा रही है, वहां पे पोर्टुगीज भी पढ़ाई जा रही है, और अंग्रेजी तो चलो हम पढ़ते ही हैं, अंग्रेजी को तो हमने हिंदी से ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर लिया है। तो पहली कैटेगरी आती है आपकी अंग्रेजी की। इसके उदाहरण मैंने इसलिए लिखे क्योंकि ये आप लोग जानते हो, पेंसिल, शर्ट, पेंट, बुक, कॉपी, रूम, हाउस, हो, ब्रोकर, टीचर, कंपटीशन, आपका कंप्यूटर, एवरीथिंग। जहां से आप शुरू करो, जहां से आप एंड करो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा में कहीं कमी मिलेगी ही नहीं। अंग्रेजी का शब्द तो आप देखते पहचान जाओगे कि ये जो शब्द है वो अंग्रेजी का है। अब नेक्स्ट पॉइंट आया आपका अरबी और फारसी। अरबी और फारसी में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आएगी, क्योंकि अरबी और फारसी में बहुत ज्यादा प्रयोग होती है हिंदी में, बस उनकी पहचान करना जरूरी है। जो शब्द आपके संस्कृत के साथ थोड़ा सा टच हो उनको आप बोल सकते हो कि ये आपके हिंदी के साथ जुड़े हुए शब्द हैं, पर जब आप बात करते हो थोड़ा सा अरबी, उसमें देखते हो आप शायरों की बातें, जुर्म, तकाजा, तकलिया, अदालत, आरोपी, आशिक, मोहब्बत, और आप सरकार, ये जो शब्द हैं आपके सारे, आप वजीर ले लो, बादशाह ले लो, बेगम ले लो,
फिर आप एक और शब्द बहुत ज्यादा, हाँ, मोहब्बत शब्द, शायर, शायरी, ये जो शब्द है शायरी शब्द आई थिंक हर कोई जानता है। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपके अरबी फारसी से आए हुए हैं, पर आपने इनको हिंदी भाषा में प्रयोग करना कर दिया और हिंदी और अरबी का मिक्सअप करके क्या तैयार कर दिया, उर्दू। एक और बात ध्यान रखना, जब भी आप पेपर देते हो, पेपर में अगर आपको विदेशज के जगह पे उर्दू का ऑप्शन आता है तो उसको कभी टिक नहीं करना है, क्योंकि उर्दू भाषा आपकी विदेशज नहीं है, आपकी उर्दू भाषा जो है वो आपकी देशज है, क्योंकि अरबी, फारसी, तुर्की ये आए थे बाहर से, इन्होंने हिंदी के साथ यानी कि स्थानीय भाषाओं के साथ थोड़ा सा मिश्रण करके एक नई भाषा तैयार करी, उसको नाम दे दिया उर्दू। बेशक वो हमारे देश में नहीं, पाकिस्तान में यूज होती है, आपके बांग्लादेश में यूज होती है, तो वहां पे, हाँ, इंडिया, भारत में भी प्रयोग में लाई जाती है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, आप आजमगढ़, वहां का एक जगह है, वहां पे जाओ तो वहां का जो एक कह सकते हैं कि मुसलमानी एरिया है, मुसलमानी क्षेत्र है, वहां पे प्योर हिंदी यूज में लाई जाती है। हैदराबाद में चले जाओ तो वहां के कुछ नेता लोग हैं, आजम खान जी को देखो, वो बिल्कुल शुद्ध उर्दू में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि, बट ये आपकी जो उर्दू है वो आपके भारत की भाषा है, इसको विदेशज में नहीं रखना, ये आपकी देशज ही है। नेक्स्ट है फिर आपका ये देखो अरबी, उसके बाद पुर्तगाली। पुर्तगाली में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखो अलमारी जो आप यूज करते हो, अलमीरा, अब तो इंग्लिश भाषा में अलमीरा बोलना शुरू कर दिया, बट पर ये शब्द जो अलमारी है ये आपका पुर्तगाली का शब्द है। और आपका कमीज, ये कमीज, ये शर्ट बोलना शुरू कर दिए ना हमने, पर ये एक्चुअल में जो शब्द है वो आपका कमीज है। उसके बाद कमरा, तौलिया, जो आप टावल बोलते हो कि टावल दो, अब तो तौलिया शब्द थोड़ा थोड़ा लग पड़ा है लुप्त होने, पर लुप्त नहीं होता, फिर भी हमारे कुछ लोग आज भी प्रयोग में लाते हैं कि तौलिया कहाँ है, तो तौलिया ये आपका हिंदी का शब्द नहीं है। मिस्त्री, किसको बोलते हैं मिस्त्री, जो हमारे मकान बनाता है, काम करता है, गाड़ियाँ ठीक करने वाले को भी हम मिस्त्री बोल देते हैं। फिर उसके बाद बाल्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपका ट्रेंडिंग में है, आपके हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में जो स्टेट के टेट के एग्जाम होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बाल्टी शब्द देशज है या विदेशज है। और अब तो क्वेश्चन और ज्यादा इन्होंने बदलना शुरू कर दिया कि ये जो बाल्टी शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो ये ध्यान रखना आप, बाल्टी शब्द आपका पुर्तगाली का है। उसके बाद बोतल, बोतल और बोटल, ये दोनों में बहुत अंतर है, और ये शब्द भी आपका पुर्तगाली का भाषा का शब्द है। और अब बात आ गई चीनी की, सो क्लैपिंग फॉर चाय लवर्स, चाय शब्द, हिंदुस्तान में चाय पीने वालों की कोई कमी नहीं, पर अब अगर आप किसी से भी पूछो कि ये चाय शब्द जो है ये कौन सी भाषा का है, तो सबके सब कहेंगे हिंदी भाषा का है, जो कि सरासर गलत है। ये आपका चाय शब्द चीनी का है, और ये क्वेश्चन भी अब आने लग पड़ा है धीरे धीरे, जो आप फ्रूट खाते हो लीची, ये लीची शब्द लीची भारत का नहीं है, ये चाइना का है। और साथ में आपकी चीनी, जो आप शुगर चाय में डालते हो वो भी आपके चाय में नहीं, हर जगह डालते हैं, चाय लवर गुस्सा ना हो, चीनी जो है वो एक भारत का शब्द नहीं, ये चीनी का शब्द है, यानी कि चाइनीज लैंग्वेज का। उसके बाद आता है आपका जापानी, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल ध्यान करके रखना है, डाकिया, क्योंकि डाकिया शब्द जो है वो आपका भारतीय यानी हिंदी भाषा का नहीं है, ये डाकिया शब्द आपका जापानी भाषा का है, और एग्जामिनर इसको कई बार पूछ सकता है, पर अभी तक पूछा नहीं, बट पता होना चाहिए। रिक्शा, ई रिक्शा, रिक्शा गलत शब्द है, रिक्शा आपका जापानी का शब्द है, ये आपका इंग्लिश का शब्द नहीं है। सायोनारा, ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि सायोनारा, सायोनारा का मतलब होता है काफी अद्भुत, अति सुंदर, तो हम अति सुंदर ना बोल के उसको बोलते हैं सायोनारा, तो ये हो जाता है आपका जापानी का शब्द। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, इनमें से कौन सा शब्द देशज है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशज है, कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तत्सम और तद्भव एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और ये पॉसिबिलिटी होती है कि तत्सम तद्भव के साथ इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
अब आगे की बात करते हैं हम, हमारा हो गया उत्पत्ति के आधार पर, अब हम बात करेंगे रचना व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। अब रचना और व्युत्पत्ति बनावट के आधार पे, इसका मतलब क्या है? पहले तो ये बात सुनो कि रचना व्युत्पत्ति और बनावट का मतलब है कि जब आप शब्द को जो वो कुछ एक्चुअल में वो शब्द कुछ और था, पर उसको शब्द को आपने दो शब्दों का मेल करके या फिर उसमें एक शब्द ऐसा जोड़ करके उसको थोड़ा सा बदल दिया। अब रचना ये व्युत्पत्ति के आधार पे उसके तीन प्रकार है। नंबर वन रूढ़। अब रूढ़ कौन सा? आप देखते हो कि रूढ़ का मतलब होता है मूल, आपकी जड़, जहां से चल रहा है। तो रचना तो बाद में होगी, पहले तो शब्द जो वो मूल ही होगा। तो रूढ़ कौन सा शब्द है? आपने रूढ़ीवादी शब्द सुना होगा कि ये रूढ़ीवादी जो लोग है बहुत ज्यादा खतरनाक है। रूढ़ीवादी मतलब पुराने, पुराने से पुराने, पुराने से पुराने। और रूढ़ का जो हमारे भाषा में लाया गया उसकी परिभाषा है कि रूढ़ वो शब्द होते हैं जिनके खंड न किए जा सके, जो टूट न सके, और टूट भी तोड़ भी दे तो वो बिल्कुल निरर्थक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिन, दी को अलग कर दिया, न को अलग कर दिया, मुझे लगता है इनका कोई मतलब बना। तो दी को अलग किया, न को अलग किया, इसका कोई मतलब नहीं बना, और जब इनको जोड़ा तो एक मतलब बना, तो वो बना दिन। तो आगे घर, घो को अलग किया, रो को अलग किया, घो को अलग किया, ढा को अलग किया, कोई मतलब नहीं बना, तो बन गया आपका दिन, घर, घोड़ा, यानी कि रूढ़ शब्द जिनके खंड न किए जा सके और एक ही अर्थ में प्रयोग में लाए जाए। उसके बाद आता है हमारा यौगिक। मैथ सब ने पढ़ा है टेंथ तक। यौगिक का मतलब होता है जोड़ना, जो कि दो शब्दों के मेल से बनता है। अब ये जो दो शब्दों के मेल से बनता है, इसके भी आगे तीन प्रकार है। नंबर वन आपका उपसर्ग के थ्रू, जो आपके आगे लगते हैं वो आपके होते हैं उपसर्ग, जो पीछे लगते हैं वो होते हैं आपके प्रत्यय। और समास जब दो शब्दों को अपने तरीके से जोड़ दिया जाता है, जैसे कि विभक्ति का लोप करके एक नए अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है, तो उसको बोलते हैं आप समास। जैसे कि राजा का पुत्र, राजपुत्र, मंत्र, मंत्रियों का मंडल, तो उसको बना दिया अपने मंत्रिमंडल, मंत्रियों का समूह मंत्री परिषद, या आप बोल सकते हो कि पक्ष, पक्ष का मतलब होता है आपका 15 दिन का एक समूह, सप्ताह 7 दिनों का एक समूह, तो 7 दिनों का एक समूह न बोल के हमने क्या बना दिया, सप्ताह, तो वो आ जाता है आपका समास में। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल देखो, पहला है विज्ञान। ज्ञान अलग था, ज्ञान था आपका रूढ़ शब्द जो सिर्फ ज्ञान में ही प्रयोग में लाया जाता था, पर जब इसके साथ हमने उपसर्ग जोड़ा तो यह विज्ञान बन गया। और विज्ञान के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो विज्ञान के साथ हमारी जो सोच है सीधी टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक में पहुंच जाती है, तो हम उसको, ज्ञान तो एक अलग चीज है, ज्ञान है जो हमारा नॉलेज है, चाहे वो किसी भी टाइप का ज्ञान हो, कुकिंग का ले सकते हो, सफाई का ले सकते हो, लिखने का ले सकते हो, पढ़ने का ले सकते हो, पर जैसे ही हमने एक उपसर्ग जोड़ा तो हमारा क्या, उसका अर्थ बदल गया और क्या बन गया, वो तकनीकी क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ एक विज्ञान। ठीक है, अब अगली बात देखो, अगला सामाजिक। अब इसमें जो वो आपको एक प्रत्यय जोड़ा हुआ है, समाज अलग है, हमारे आस पास का जो क्षेत्र है उसे हम समाज कहते हैं, पर जब हम इसके साथ एक प्रत्यय जोड़ देते हैं, एक प्रत्यय यानी समाज के लिए या समाज का, सामाजिक, तो वो उसका मतलब बदल गया और ये बन गया आपका सामाजिक। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका विद्यालय। विद्या प्लस आलय यानी विद्या का मंदिर, आप इसको ऐसे न करके विद्या का आलय न बोल के हमने इसको बना दिया विद्यालय। और समास में एक एग्जाम्पल आप रख लो राजपुत्र। तीसरा नंबर है इसका योगरूढ़। योगरूढ़ का मतलब है कि दो शब्द हैं, उनका मतलब तो अलग अलग है, पर जब उन दो शब्दों को मिला दिया जाता है तो वो किसी अलग अलग शब्द ना हो करके किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि आपका पीत अंबर। पीत अलग है, अंबर अलग है, और इसका अर्थ आ जाएगा पीले कपड़ों वाला, पर इसको हम पीले कपड़ों वाला प्रयोग नहीं करते, इसको हम प्रयोग में लाते हैं श्री कृष्ण। तो ये हो गया आपका योग रूढ़ की जोड़ा भी और रूढ़ एक शब्द के लिए हो गया। उसके बाद हमने ला जलज। जलज का मतलब है जल में जन्मे हुए, पर जल में जन्मे हुए में हम नामजों को सब को नहीं लेते, जलज हम लेते हैं कछुए के लिए, सिर्फ
जल और ज, जल का मतलब है जल, ज का मतलब जन्म हुआ, तो इसमें तो सब आने चाहिए बट इसमें सब नहीं आए, इसमें आए सिर्फ कछुआ। नेक्स्ट आया आपका दशरथ। अब दशरथ एक नाम है राजा जी का, श्री राम जी के पिता का नाम है दशरथ। दशरथ का मतलब है दश रथों वाला, पर हमने दो रूट शब्द लिए, एक दश लिया एक रथ लिया और उन दोनों को जोड़ के बना दिया दशरथ, तो ये क्या बन गया आपका योग रूट शब्द। हमने सिर्फ एक क्लासिफाइड एक पर्सन के लिए इसको हमने जोड़ के रख दिया। उसके बाद है हनुमान। हनुमान जी भी हम जिनकी पूजा करते हैं उनका नाम लेते हैं हनुमान, पर इसको अगर आप अर्थ के तौर पे लो तो हनु शब्द अलग है, मान शब्द अलग है, इसका मतलब है ठोड्डी वाला। तो ठोड्डी तो हर पर्सन के पास है, ये ठोड्डी सबके पास है, ठोड्डी वाले तो सारे हैं, पर जब हम बात करते हैं हनुमान की तो हनुमान हमें क्लासिफाइड बजरंग बजरंग बली जी के लिए हो हमने प्रयोग में लाने पड़े, तो हो गया आपका योग रूढ़। सो यह आप लोग समझ गए, आप लोग उत्पत्ति के आधार पे समझ गए, रचना के आधार पे समझ गए। अब अगला हमारा टॉपिक है रूप या व्याकरणिक के आधार पे, यानी कि जहाँ हम व्याकरण प्रयोग में लाते हैं, कारक हो गए, विभक्ति हो गई, आपके संधियां हो गई, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, इन सबको प्रयोग में लाने के बाद जो एक नया प्रयोग में लाते हैं, नया शब्द जो बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकारी शब्द। अब ये विकारी शब्द कौन से होते हैं, विकारी मतलब विकार, जिनमें परिवर्तन आ जाता है। ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने समय के साथ बदल जाते हैं, लोगों की छोड़ो तो भाषा में वो शब्द जो आपके लिंग वचन परिमाण संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के आधार पे बदल जाते हैं उन्हें आप कहते हो भिकारी शब्द। जैसे कि लड़का बदल के लड़की बदल बन गया, जब उनमें लिंग आया और वचन के आधार पे वो लड़का की जगह लड़के बन गया, तो हो गया वो भिकारी शब्द। और उसके बाद आते हैं आपके अभिकारी शब्द, इनको आप लोग अव्यय शब्द भी बोल देते हो। इसका मतलब होता है कि वो शब्द जो किसी भी परिस्थिति में ना बदले, लिंग हो, वचन हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, कारक हो, विभक्ति हो, कभी नहीं बदलते, वो वाले शब्द आपके अव्यय शब्दों में यानी कि अविकारी शब्दों में आते हैं। तो ये कौन कौन से आते हैं, इनके भी चार प्रकार हैं। नंबर वन पे आता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। अब जो सीटेट के जो तैयारी कर रहे हैं तो देखो, आपका चाहे लैंग्वेज वन हो चाहे आपका लैंग्वेज टू हो, आपसे ये प्रकार नहीं पूछे जाएंगे। पर जो लोग टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनको जो हो इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। लैंग्वेज वन में भी हो सकता है एग्जामिनर का थोड़ा सा दिमाग खिसक जाए, वो ज्यादा कठिन डाल दे, तो वहां आपसे इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय में कौन से आते हैं, जो कि आपका समय और स्थान को परिभाषित करते हैं, जैसे कि मैं, पर, ऊपर, नीचे, आज, कल, परसों, यहां, वहां, इधर, उधर, जहां, कहां, ये वाले शब्द आपके क्रिया विशेषण में आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय ये वो वाले शब्द होते हैं जो कि आपके संबंध पैदा कर देते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि और, एवं, अथवा, या, फिर भी, कभी, ये वाले शब्द आपके संबंध बोधक में आ जाते हैं। फिर आते हैं आपके समुच्चय बोधक शब्द। अब ये समुच्चय बोधक शब्द कौन से आते हैं, जो कि आपको दो वाक्यों के बीच में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि किंतु, परंतु, इसलिए, फिर भी, ऐसे शब्द, जैसे कि दो शब्द जो कि दो वाक्यों के बीच में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि आपका राम वो लड़का है जो कि अगले कमरे में रहता है, राम वो लड़का है जो कि उस फिल्म में एक्टिंग कर रहा था, तो वो, या आप ऐसे ले सकते हो कि मैं बीमार था इसलिए कल
नहीं आ पाया, तो आपका नाम हो गया आपका यहाँ पे समुच्च बोधक शब्द। नेक्स्ट आया आपका विस्मय आदि बोधक शब्द। अब विस्मय आदि बोधक अव्यय क्या होते हैं? विस्मय आदि बोधक अव्यय में क्या होता है कि आप रिएक्ट करते हो, जो कि अचानक रिएक्ट होता है, जैसे कि अरे रुक जाओ, अरे देखो कितनी सुंदर लड़की है, अरे देखो इसने कितना अद्भुत कार्य किया, अरे देखो कितना मनोरम दृश्य है। तो ये सब जो है वो आपके विस्मय आदि बोधक अव्यय में होते हैं और यहाँ पे प्रयोग लाए जाते हैं हा आहा अरे या भो, जहां पे आपका साइन ये वाला लग जाता है, तो वहां पे आप बोलते हो विस्मय आदि बोधक अव्यय। अब चौथा और लास्ट शब्दों का जो वर्गीकरण है वो है अर्थ के आधार पे। अब अर्थ के आधार पे देखो नंबर बनाता है आपका एक अर्थी। अब एक अर्थी का मतलब है कि एक शब्द है और उसका एक ही अर्थ है, और इसमें लेते हैं आप व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण हम नया पढ़े भिखारी शब्दों में, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसका मतलब होता है किसी विशेष वस्तु व्यक्ति या स्थान के लिए नाम। तो जैसे कि घर हो गया, पटना हो गया, सरस्वती हो गया, जल हो गया, आपका पानी हो गया, और बोल सकते हैं आपकी कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये सब जो है जिनका एक ही अर्थ होता है वो आपके एक अर्थी में लिए जाते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है आपका अनेक अर्थी। शब्द एक है, अर्थ अनेक है, ये आप वाक्य में सेट करते टाइम आपको पता चलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लो तो ये आपका एक शब्द है कर। अब कर के कितने प्रयोग है, देखो कर का मतलब है हाथ, कर का ही मतलब है जो आप टैक्स देते हो उसको भी लिया जाता है, कर का मतलब है आपका कार्य। तो ये कर जो है देखो कितना ज्यादा चल गया, आय कर हो गया, टैक्स क्यों, यहां पे आप आय कर लिख लो। फिर आप देखो एक होता है आपका हार शब्द। अब हार एक आपके गले की माला भी होती है, हार शब्द आपका पराजय के लिए भी लिए जाते हैं, तो ये अलग अलग बातें। एक और शब्द है आपका कनक, कनक आपका धतूरा उसको भी बोला जाता है, कनक आपका गेहूं के लिए भी बोला जाता है, कनक आपका सुनने के लिए भी बोला जाता है। तो ये शब्द एक है पर इसके अर्थ अनेक हैं, तो इनको बोला जाता है अनेकार्थी। एक शब्द अर्थ अनेक। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो है समानार्थी। बात हम एक ही करते हैं शब्द की, पर उनके वो सब शब्दों का एक ही अर्थ होता है, एक के लिए यूज होते हैं। जैसे कि आपका हो गया गगन, गगन आकाश, अंबर आसमान, अंतरिक्ष। तो देखो एक शब्द गगन, इसकी जगह आपके कितने इसके शब्द बन गए, सबका एक ही अर्थ है। आप पृथ्वी ले लो, भू धरा धरती जमीन, ये सब जो वो शब्द उसके आ गए अनेक अर्थी के, हाँ समान अर्थी के, कि आपका सब शब्दों का जो है वो एक जैसा अर्थ होगा। और हाँ समानार्थी और पर्यायवाची ये दोनों एक ही शब्द के बात करते हैं, समानार्थी और पर्यायवाची एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां लिख दिए पर्यायवाची कौन से है और आपने समानार्थी कौन से है, तो आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अब अगले हमारे जो टाइप है वो है विलोम शब्द। अब विलोम शब्द क्या होते हैं, विपरीत अर्थक, उल्टा बोलना, सुख का दुख, आसमान का धरती, पढ़े लिखे का अनपढ़, शिक्षित का अशिक्षित, ये सब जो है माता का पिता, ये सब जो है आपका विलोम शब्द में आता है। सो गाइस आज हमारा जो टॉपिक था शब्द सी टेट के बीच में आने वाला वो हमने पढ़ा, शब्दों में हमने पढ़ा कि शब्द होते क्या है, शब्द हमने पढ़ा कि जो वर्णों का समूह होता है उसे शब्द कहा जाता है, इसमें वर्णों का समूह दो या दो से अधिक वर्णों का हो सकता है,
उसको हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पे होता है। न पहला होता है उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पे, दूसरा होता है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पे, तीसरा होता है व्याकरण के आधार पे, चौथा होता है रूप के आधार पे। नंबर वन हमने जो उत्पत्ति के आधार पे किया था उसमें किए तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम का मतलब है जो संस्कृत के साथ मिले हुए, तद्भव का मतलब है जो संस्कृत से थोड़ा सा उनका संशोधन हुआ और हमने उनको हिंदी भाषा में या अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाने लग पड़े। देशज का मतलब है अपने ही देश में निकले हुए शब्द और विदेशज का मतलब है बाहर से आए हुए शब्द। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा दो समुदाय सबसे ज्यादा आए हैं बाहर से, तो अरबी फारसी तुर्की और दूसरा जो है आपका अंग्रेज। तो अंग्रेज जो इनकी अंग्रेज की भाषा के हमने सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए, तो ये जो है आपके विदेश से शब्द हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा आपके व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पे, तो व्युत्पत्ति और बनावट मतलब कि शब्द तो थे, उनको हमने दो शब्दों को जोड़ करके एक नया रूप दिया। तो इसमें सबसे पहले आती है जहाँ पे हमने रूप नहीं दे पाए वो है रूढ़ शब्द जो नहीं बदले। घर हो गया मकान, घर हो गया मकान हो गया, सुख हो गया दुख हो गया, ये जो शब्द थे ये नहीं बदले। उसके बाद आए यौगिक। यौगिक में क्या होता है कि दो शब्द जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि आपका उपसर्ग, प्रत्यय और समास इसी श्रेणी में आते हैं। विद्यालय हो गया, पाठशाला हो गया, आपका रसोई घर हो गया, ये वाले जो शब्द थे आपके यौगिक शब्द आए। और उसके बाद आए आपके योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ में क्या होता है कि दो अलग अलग शब्द रूढ़ शब्द उनको जोड़ दिया जाता है, पर उनका अर्थ जो है कि विशेष तौर पर लिया जाता है। जैसे कि पीताम्बर श्री कृष्ण के लिए जाता है, जनज आपका कछुए के लिए लिया जाता है, फिर आपका हनुमान हनुमान जी के लिए लिया जाता है, दशरथ श्री राम जी के पिता के लिए लिया जाता है। तो ये वो शब्द है जो योग रूढ़ है। उसके बाद हमने बात करी रूप या व्याकरण के आधार पे, यानी कि विकारी शब्द। विकारी मतलब जो बदल जाते हैं। यहाँ पे मैंने याद रखने के लिए आपको बताया कि समय के साथ जो बदल जाए या लिंग वचन प्रमाण के साथ के आधार पे जो बदल जाए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण इसी श्रेणी में आते हैं। क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण वो शब्द होते हैं जो समय के साथ बदलते हैं या वाक्य में क्रिया के आधार पे बदलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता कभी भी। सबसे पहले क्रिया विशेषण। अभ्यव क्रिया विशेषण अभ्य कौन से होते हैं, आज कल परसों यहाँ वहाँ कहाँ, जो कि आपके स्थान और रीति के हिसाब से चलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके संबंध बोधक अभ्य। संबंध बोधक अभ्य कौन से होते हैं जो कारकों के साथ चलते हैं, जैसे ने, का, के, की, में, पर, इधर उधर, ये वाले शब्द। उसके बाद आपके आपके समुच्चय बोधक शब्द जो दो वाक्यों के बीच में जो वो आपका संबंध बनाते हैं, जैसे कि और हो गया, एवं हो गया, अथवा हो गया, या हो गया, ये वाले शब्द, इसलिए हो गया। तो समुच्चय बोधक में वो आए, विस्मय आदि बोधक में आए आपके हा, हे, है, अरे, भो, जहां पे आप एकदम से चकित रह जाते हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वाक्य और उपवाक्य एक साथ। तब तक के लिए नमस्कार।